हेलो एवरीवन। सो आज बनने जा रहा है चिकन। ये 3 kg चिकन है जिसे साफ़ करते करते ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा लग गया है। ठीक है, ये एकदम मैंने साफ़ क्लीन कर लिया है। अब हम इसमें मैरिनेट करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। दो चम्मच नमक डाला है मैंने। एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी कर्ड दही। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, एकदम थोड़ा सा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे डिनर टाइम में बनाने वाली हूँ और ये आफ्टरनून है, तो ये डिनर टाइम तक अच्छे से जो है 3-4 घंटा मैरिनेट हो जाएगा। इसे अच्छे से मिला दीजिए। हाथ से तो बिल्कुल मत मिलाना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भजिया बनाया था तो मेरा हाथ जलने लगा था मिर्ची से। सो इसे हम अच्छे से ऊपर नीचे करके, ताकि जितना भी हल्दी नमक है वो सारे पीसेस में लग जाए। सो मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ठीक है, और यहाँ हो रहा है हमारा कांदे की कटाई, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। सुबह सो के भी काम पे गई, इतने क्यों जग रही थी 3 बजे तक? गाना वाना चालू कर ली, उससे बर्तन चालू कर ली। ये हम पीसेंगे अदरक लहसुन और धनिया। बोलो क्या खोलूं इसको? मैं अच्छे से धो लेती हूँ। इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेंगे। और ये धनिया किसको बोल रहा है यार? फ्रेंड को करना है, मेरे से खतर हो रहा है। लड़का है तो नहीं, लड़की है। हाँ, पासवर्ड तो बोलना। 0639। लड़के मत करना कुछ, मुझे सब मरे जा रहे हो। आई वांट टू टॉक टू सुमिया। इसको अभी हम पीस लेंगे। काम किधर है मेरा? और लड़की से ही बात करना, लड़के से मेरे नंबर पे बात मत करना। नहीं, यहाँ कट रहा है कांदा, जो कि बहनों को मस्का मार के कटवाना पड़ता है, क्योंकि चिकन ज़्यादा है इसलिए ऑनियन भी ज़्यादा लगेगा। अराउंड 1 kg ऑनियन जो है यहाँ पे कट हो रहा है। मेरी आंखों से गंगा जमुना बहने लगता है, इसलिए मैं ये कांदा का जो काम है अपनी बहनों को ही दे देती हूँ करने के लिए। सो हमारा जो ऑनियन है वो कट के रेडी हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन करी बनाना। यहाँ पे मैंने ऑयल को एकदम गर्म होने दिया है, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है, और इसमें मैंने डाला है तेज पत्ता, बे लीफ। मेरे पास जीरा नहीं था, अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें सारे ऑनियंस को डाल दूँगी और इसे हमें ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, अच्छे से हाई फ्लेम पे। क्या हो रहा है इधर? क्या तैयारी हो रही है? चावल कर रहे हैं, चावल को ऐसे से कर रही है जिसको हम कैसे कर रही है ऐसे। What was that? और मैं इसमें माप के इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा घर बड़ा है तो 1 किलो 2 किलो में हमारा कुछ नहीं होता है। अच्छा, अपने को 7-8 किलो लगता ही है, क्योंकि हम समाज को भी खिलाते हैं ना। अच्छा, कोई समाज है? समाज बहुत है, ये खोलो ये खोलो, नीचे का खोलो आपका। लेट मी चेक माय ऑनियन। सो यहाँ पे मेरा ऑनियन होने आया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इससे एकदम
डार्क ब्राउन करेंगे हमारे ऑनियंस को। खतरों के खिलाड़ी कुछ होने दे फिर तू देख तेरी हालत। घर जाके मैं चावल चलूंगी। तो ये कांदा हमारा हो गया है लाल अच्छे से। अब जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो हम इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। हम अच्छे से चलाएंगे इसे। हाई फ्लेम पे हमें अच्छे से ब्राउन करना है जब तक कि थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो मैं इसे अभी थोड़ा सा ढक दूंगी और हाई फ्लेम पे होने दूंगी। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, हाँ, इसमें जाएगा चिकन मसाला। अभी हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे। और हमें चिकन पीसेस को इस मसाले के साथ भूनना है जब तक कि तेल जो है ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके स्टर करके इसे ढक दूंगी लो फ्लेम पे और 5-10 मिनट्स के बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हुआ कि नहीं। तेल जो है सेपरेट हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी भर के दही। मैं इसमें टोमेटो का यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैं दही डालती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है वो। इसे अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम स्लो ही है, ये स्लो फ्लेम पे ही अभी बनेगा। अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स करके हम फिर से ढक देंगे। ठीक है, ये मिक्स कर दिया हमने, अब हम इसे ढक देंगे। प्रिया बर्तन धो रही है। नॉट अगेन। What are you doing, Priya? Are you blind to see what I'm doing? तू तो बोली तू फुगड़ी खेल रही है, मैं देखने आई तू फुगड़ी खेल रही थी। Yes, look, ऐसे 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 ऐसे, this is फुगड़ी for us. अच्छा, okay. Office से आने के बाद तो मेरे लिए बेसिन जो भर देती है। पास्ता किसने बना के दिया? मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा। Okay.
वैसे इतने बर्तन तो है नहीं जितना तेरा मुंह बना है. बिकॉज आई एम टायर्ड एंड यू डिडंट गिव मी चाय ऑल्सो. ओके सो यू वांट चाय, चिकन, सब चाहिए तुझे. चिकन तो बाद की बात है ना, रात को 2-3 बजे भूख लगती रहेगी. फिलहाल तो चाय चाहिए ना मैम. अच्छा ठीक है, देख कोई हो कहीं फिर आप कोई अमृताले की चाय पर मंगाओ तेरे लिए. नहीं नहीं नॉर्मल चाय भी चलेगी, बस स्ट्रेस रिलीफ करना है. क्या ऑफिस में भी बहुत जान खाते हैं ना. ओके यू नो आई नीड टू हैंडल सो मेनी पीपल अंडर मी. Oh my god, the officer of ICICI bank. Yes, look what she is doing here. Har gharelu ladki kahani, har gharelu ladki ki kahani. Okay. What you are doing by the way? I am doing this chalni. This chalno fai. Where to keep this chalni? Apne sar pe rakhna. Okay. नहीं वो कुछ काम की नहीं है वो लड़कियाँ. तू बहुत काम की है मेरे. चिकन पक रहा है अभी बनेगा. कौन आई? शोभा निगम. शोभा निगम का ब्लड प्रेशर डाउन है आज. क्या हुआ? तो मैंने इसमें जो है 2 ग्लास भर के पानी ऐड किया था, वो मैंने रिकॉर्ड करना मैं भूल गई एज़ पर ग्रेवी. अभी ये पकेगा और अभी हम इसे ढक के जब तक कि चिकन पक नहीं जाता तब तक इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे. ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए. सो ये हमारा चिकन करी जो है फाइनली बन के तैयार हो गया है आफ्टर 2 आवर्स. ज़्यादा चिकन था इसलिए इसे बनने में भी टाइम लगा. अब मैं इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दूँगी. सो ये अभी पतली ग्रेवी लग रही है बट ये जब चिकन करी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा थिक हो जाएगा. सो ये मेरे हिसाब से मेरे फैमिली के लिए तो मुझे ठीक लग रहा है ग्रेवी इतना. आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरा चिकन करी. आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए. ओके और नींबू निचोड़ना तो मत भूलिए, चिकन करी पे बहुत टेस्टी लगता है. और इसके पीसेस जो है बहुत अच्छे से गल गए थे, मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया था इसीलिए. और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो भी मैं नए नए वीडियोज़ डालूँ आप सभी देखें, मज़ा करिए और ये चिकन करी एंजॉय करिए. Hello guys, I'm Ayushi here, the calm wali bhai in the prior video. The chicken curry was yum. मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ बहन को स्पेशली डिमांड करती हूँ टू मेक दिस चिकन करी. सो डू ट्राई एट योर होम एंड प्लीज़ 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 वीडियो ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच.